Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप? वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ सईद गनी का मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो मतलब इस सर्दियों में बहुत ही कामदेह चीज़ है। तो इसका एक विटामिन सी है और ये जो आलमंड एंड हनी लोशन है। चलें अभी इनका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये दोनों लोशन आपके सामने हैं, एक हनी एंड आलमंड लोशन है और दूसरा है एक्स्ट्रा वाइटनिंग लोशन है विटामिन सी के साथ, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले हम ये जो हनी एंड आलमंड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये आपके सामने देख लें, सईद गनी का लोशन है, विंटर लोशन है, जो इस सर्दियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। गाइज, इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत ही अच्छी है, रोज़ है इसमें और आलमंड है और हनी है, ठीक है। गाइज, ये ऑल टाइप्स ऑफ स्किन है, ये मॉइस्चराइजिंग ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा लोशन है, ठीक है। और जो मतलब ये वाइटनिंग में आपकी स्किन वगैरह ब्लैक नहीं करता, जो इसकी फ्रेगरेंस है वो बहुत ही अच्छी है। और ये क्या कहते हैं, कितने ml का है, ये 100 ml का है। इसका 200 ml भी गाइज आता है, ये आपको इजीली मार्केट से 300 या 350 के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है। गाइज, सईद गनी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आपको पता है। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसा है, ये देख लें, ये टाइप का है गाइज, आपके सामने देख लें। और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब क्रीमी फॉर्म में लोशन है और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, ठीक है। ये देख लें आपके सामने, तो मैं आपको आप मार्केट में अपने हिसाब से ये जाकर चेक कर ये ले लेना। अगर अभी इसका जो विटामिन सी नया लॉन्च हुआ है, ये तो पुराना है, ठीक है गाइज, जो अभी ये नया इनका ये लॉन्च हुआ है एक्स्ट्रा वाइटनिंग लोशन है, ठीक है। ये विटामिन सी के साथ है, ये ग्लो बूस्टिंग है, मॉइस्चराइजर है, ठीक है। ये आपकी स्किन को सिल्की और स्मूथ करेगा, ठीक है। और गाइज, जो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप्स है और ये हर स्किन के लिए बेहतर है। और जिसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो ग्लिसरीन वगैरह भी ऐड है, शी बटर वगैरह ऐड है। इसको यूज़ करने का तरीका इन्होंने यही बताया है कि आपको सुबह के टाइम आपने मुँह धो के उसके बाद आपने अपनी स्किन ड्राई कर लेनी है, मतलब साफ़ कर लेनी है पानी वाली तौलिए के साथ। तो उसके बाद आपने ये अप्लाई करना है। ये इनका नया लॉन्च हुआ था, इसकी काफ़ी मतलब कस्टमर डिमांड कर रहे थे, मैंने अवेलेबल कर लिया अपनी शॉप पे और इनके भी आउटलेट पे या ऑनलाइन पेज पे आ चुका होगा। तो मैं अभी इसको भी आपको खोल के दिखा देता हूँ ये कैसा है, ये देख लें। ये भी उसी फॉर्म में है और मगर ये क्या कहते हैं, जो इसका जो फ्रेगरेंस है वो विटामिन सी है, देख लें आप। तो मॉइस्चराइजर वाइटनिंग लोशन ही आपकी स्किन ब्लैक नहीं करेगा, ठीक है गाइस। तो सईद गनी का जो प्रोडक्ट है, मैं आपको पहले कहता हूँ कि बेफिक्र हो के आप दोनों यूज़ करो ये चीज़ें, ठीक है। इसका कोई भी प्रोडक्ट हो, शैम्पू से लेकर ऑयल तक, मतलब जो भी है इनका जो भी प्रोडक्ट है वो सब बहुत ही बेस्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुद भी सेल करता हूँ, जिनको मैं देता हूँ उनका मुझे फीडबैक बहुत बेस्ट मिलता है। तो मैं इसलिए लोगों के साथ इसका रिव्यू ज़्यादा शेयर करता हूँ इन प्रोडक्ट्स का, सईद गनी का। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि वैसे अभी सर्दियों का दिन स्टार्ट हो गए हैं, तो आपने कोई भी लोशन लेना है, वैसलीन या नीविया वगैरह का लेते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप ये इस्तेमाल लोशन करें। ये सस्ते भी हैं और पाकिस्तानी हैं, ठीक है। ये मतलब मेड इन पाकिस्तान है और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इनका। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हैं, अपने फ्रेगरेंस के अकॉर्डिंग दोनों कोई भी ले लेंगे आप इजीली। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, आप लाजमी बाय करें। और अगर आपको ये नहीं मिलता इनके लोकल मार्केट से किसी भी, तो मैं अपने नीचे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम दे दूँगा, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनकी आउटलेट पे भी जाके बाय कर सकते हैं। गाइस, ये मेरे पास ये 100 ml अवेलेबल है, इसके 200 ml भी आता है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करना है तो आप इनके मतलब आप 100 ml लें, उसके बाद आप 200 ml लें अगर आपको समझ आता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।